नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा और मैं हूं आपके साथ निशा। सिरसा एक धार्मिक नगरी है। सिरसा के अंदर चारों कोनों में डेरों का वास है। वहीं बात करें तो सिरसा के रानिया रोड स्थित एक तारकेश्वर धाम बना है, जहां पर तारा बाबा की समाधि भी है, तो वहीं हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई देती है। तारकेश्वर धाम को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और कहा जाता है कि तारकेश्वर धाम में ऐसे चमत्कार भी हुए हैं कि साथ के साथ लोगों ने शीश नवाया और उसके तुरंत ही लोग यहाँ के जो तारकेश्वर धाम में जो बाबा है तारा जिनकी समाधि बनी हुई है उनके यहाँ से चमत्कार भी देखने को मिले हैं। तारा बाबा कुटिया, यहाँ मन की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ का अलौकिक वातावरण आप में दैवीय ऊर्जा का संचार करता है। भव्य शिवालय भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा, 12 ज्योतिर्लिंग वाली गुफा, देवी देवताओं की झांकियाँ आपको सहज ही आकर्षित कर लेती हैं। यह कुटिया चमत्कारिक संत बाबा तारा की तप स्थली रही है। तारा बाबा पहुँचे हुए संत थे। वे एक फक्कड़ फकीर थे। लंबे समय तक उन्होंने मौन रखा, बीहड़ों में तप किया। इस कुटिया में 12 साल तक उन्होंने बिना अन्न ग्रहण किए भगवान शिव की आराधना की। बाबा तारा ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए। वे रात के वक्त अकेले सोते थे। मानना था भगवान शिव उनके रक्षक हैं, उन्हें रक्षक की जरूरत नहीं है। वे हर बरस शिवरात्रि पर नीलकंठ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर व उज्जैन में जाया करते थे। बाबा तारा का जन्म हिसार के गांव पाली में श्रीचंद सैनी के घर हुआ। 2 बरस की अल्प आयु में उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनका लालन पालन सिरसा के रामनगरिया गांव में उनकी बुआ और फूफा ने किया। जैसे जैसे बालक तारा बड़ा हो रहा था, बुआ को उसके ब्याह की चिंता सता रही थी, पर तारा तो मौजी था, अपनी धुन में रमा रहता था। फक्कड़ स्वभाव और शिव का भगत। किशोर अवस्था में तारा बाबा बिहारी की सेवा में जुट गया। बाबा बिहारी सिरसा के एक चमत्कारिक संत थे। तारा की सेवा से संतुष्ट हो बाबा बिहारी ने उन्हें बाबा शिवराम के पास भेज दिया। इसके बाद बाबा तारा ने बाबा शिवराम से दीक्षा ली। रामनगरिया के लोगों को तारा में अब एक चमत्कारिक संत नजर आने लगा। लेकिन इसी बीच बाबा तारा हिसार चले गए। वहाँ एकांत में भगवान शिव की आराधना करने लगे। रामनगरिया के लोग बाबा तारा के पास पहुँचे, उन्हें सिरसा आने को आग्रह किया। बाबा ने उनका आग्रह स्वीकारा। सिरसा में रानिया रोड पर उजाड़ में अपनी कुटिया बनाई। बाबा हमेशा साधारण लिबास में रहते थे, नलके का पानी पीते थे, हर वक्त शिव की भक्ति में लीन स्वभाव फक्कड़ था। 20 जुलाई 2003 को बाबा अपने सेवकों के साथ हरिद्वार में गए। 26 जुलाई को वे हरिद्वार के गंगा घाट पर पहुँचे और इसके अगले दिन 27 जुलाई को शिवरात्रि के दिन उन्होंने दोपहर 12:05 पर गंगा घाट पर अपनी देह त्याग दी। यही उनकी अंतिम इच्छा भी थी। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, राहुल सेतिया, लीलाधर सैनी सहित अनगिनत लोग बाबा तारा के अनन्य सेवक रहे। बाबा तारा के देहावसान के बाद उनके सेवक गोपाल कांडा ने रानिया रोड पर कुटिया को भव्य रूप दिया। 71 फुट ऊंचा शिवालय बनवाया, 108 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बनवाई, कई मीटर लंबी पवित्र गुफा का निर्माण करवाया। संत निवास के अलावा कई देवी देवताओं की झांकियां कुटिया में बनी हुई हैं। यहां पर साल 2006 में अतिरुद्र महायज्ञ का भी आयोजन हुआ। अनेक
पहुँचे हुए कथावाचक और अनेक कलाकार भी कुटिया में समय समय पर पहुँचे। साल में दो बार शिवरात्रि के अलावा दीपावली, जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर कुटिया में कार्यक्रम होते हैं। बाबा तारा की इस तपस्थली पर हर रोज अनेक लोग आते हैं। जो भी श्रद्धा और निष्ठा से यहाँ आता है उसकी मुराद पूरी होती है। सचमुच अछूती आस्था की प्रतीक है बाबा तारा की यह तपस्थली।